हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग? सबका वेलकम हमारे न्यू व्लॉग में। और गाइस, सुबह के बज रहे हैं अभी 12:30 और हम जाने वाले हैं नेहरू प्लेस मार्केट, क्योंकि वहाँ पे हमको थोड़ा सा काम है और एक एयरपोर्ट है मेरे पास, उसका केबल भी लेना है, शॉर्ट केबल लेना है। चलते हैं गाइस मार्केट और वहाँ का आपको ब्लॉग दिखाते हैं। और सुबह से इतना बिजी थे उसके वजह से ब्लॉग सुबह से नहीं स्टार्ट कर पाए। बाकी चलते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अभी सरता विहार मेट्रो स्टेशन पर हैं, यहाँ चलेंगे नेहरू प्लेस। नेहरू प्लेस पर जो भी होगा आपको ब्लॉग में दिखाएंगे। तो जो भी लोग नए हैं चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और गाइस देखिए, सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते सांस फूल गया है और नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको ट्रैफिक भी है और बस आ रही है, जा रही है, उसकी वजह से नॉइज़ ज़्यादा आ रहा है। कोई नहीं गाइस, चलते हैं मेट्रो के अंदर और चलते हैं यहाँ से नेहरू प्लेस, फिर आपको ब्लॉग में कंटिन्यू करते हैं, बाकी देखिए आगे। और ये रहा सरता विहार मेट्रो स्टेशन, और चल के आपको डायरेक्ट मिलते हैं नेहरू प्लेस मार्केट में और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस फाइनली आ गए हैं मेट्रो के अंदर और रिचार्ज करना था, उसी में टाइम लग गया, 500 का नोट ले नहीं रहा था। गाइस सरता विहार से चलेंगे नेहरू प्लेस के लिए और अभी सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं, मेट्रो आता है, बैठते इस टाइम तो ज़्यादा भीड़ भी होगा, बाकी देखिए। तो गाइस फाइनली आ गए हैं नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन पे और यहाँ से बाहर निकलते हैं, चलते हैं मार्केट में। और गाइस यहाँ से बाहर निकलते हैं आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा बिल्डिंग, और देखिए सामने बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, क्योंकि आपको अल्ट्रा वाइड में छोटी दिख रही होगी, बाकी देख सकते हैं आप। तो गाइस आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन को, और यहाँ से हम बाहर निकल गए और सामने आपको देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख जाएंगी, देखिए इधर भी। और यहाँ से मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है, बस रोड को क्रॉस करेंगे उस पार आपको मार्केट मिल जाएगा। और चलते हैं, पैदल ही चलना पड़ेगा क्योंकि 50 मीटर से भी ज़्यादा दूरी नहीं है, बस यहाँ से आप बाहर निकलेंगे वहाँ से आपको मार्केट मिल जाएगा। देखिए यहाँ से निकलिए और रोड के उस पार आपको मार्केट मिल जाएगा। और गाइस नेहरू प्लेस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के लिए फेमस, यहाँ पर लैपटॉप मोबाइल रिपेयरिंग किया जाता है, इसी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पर, देखिए। बाकी इस रोड को क्रॉस करेंगे उस पर और उस पर आपको मार्केट मिल जाएगा, बाकी देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा इनॉक्स, और इसके ही बगल में जस्ट आपको मोबाइल का मार्केट मिलेगा। बाकी ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है और धूप भी हो गया, यहाँ पर फटाक निकलते देखिए। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का भी काम चला, इसलिए रोड टूटा फूटा हुआ है पूरा। तो गाइज हम फाइनली आ गए हैं नेहरू प्लेस मार्केट में, और देखिए यहाँ पर सारा आपको इलेक्ट्रॉनिक का ही मिलेगा, लैपटॉप रिपेयर, मोबाइल रिपेयर, बाकी हर एक चीज़ का रिपेयरिंग का काम होता है यहाँ पे। और चलते हैं, एक केबल लेना है एयरपोर्ट का, शॉर्ट केबल लेना है, क्योंकि उसको चार्ज करने के लिए शॉर्ट केबल लगेगा तो पावर बैंक से सही रहेगा, बाकी देखते हैं कहाँ मिलता है। और यहाँ पर आपको कवर, मोबाइल का कवर, ग्लास सब कुछ मिल जाता है आसानी से, बहुत ज़्यादा दुकान है यहाँ पर उस चीज़ की। बाकी देखिए कितना ज़्यादा क्राउड है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, पूरा सारा लैपटॉप्स का इधर दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। और मोहर भी बन जाता है यहाँ पे तुरंत, हैंड टू हैंड। बाकी देखिए चारों ओर जितनी बिल्डिंग दिख रही है सारा आपको मोबाइल का ही, मोबाइल लैपटॉप सब कुछ का। जी इधर देखिए कितना ज़्यादा क्राउड है, रिपेयरिंग के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर भीड़ लगता है। और देखते हैं कहाँ पे मिलता है हमारा केबल, उसके बाद जो भी होता है ब्लॉग में आपको शेयर करूँगा फिर। बाकी देखिए ऐसे बीच बीच में रख के ग्लास भी लगाया जाता है यहाँ पे। देखिए कितनी बड़ी मार्केट है, देखिए, और बिल्डिंग देखिए कितनी बड़ी बनी हुई है, पूरा सारा मोबाइल का ही है जी। यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है और लोग खड़े होके भी यहाँ पे केबल वेबल पावर बैंक बेच रहे हैं,
और इधर लगा हुआ आपका कपड़ा मार्केट भी मिल जाता है यहाँ पे, कपड़ा टी शर्ट सब कुछ। देखते हैं अगर बढ़िया टी शर्ट मिलता है तो ले लेते हैं हम भी यहाँ से। बाकी देखिए लगा हुआ है सारा। और देखिए भीड़ भी कितना ज़्यादा है दुकान पर। और गाइस देखिए पूरा लाइन से दुकानें लगी हुई हैं। और हमको एक मोबाइल का कवर भी लेना है, वही खोज रहे हैं, लेडीज कवर लेना है। और देखते हैं किस शॉप में मिल रहा है। बाकी अभी तो इधर सारा कपड़ा का ही शॉप लगा हुआ है लाइन से। देखिए तो गाइस फाइनली कवर ले लिए हैं। और बाकी आप लोग देख सकते हैं यही है मार्केट का नज़ारा। बाकी ऊपर तक देखिए कितनी सारी बिल्डिंगें बनी हुई, सूज चश्मा सब कुछ मिल रहा है देखिए यहाँ पे। बाकी गाइस जब चलते हैं यहाँ से और काम हो गया अपना, और केबल भी ले लिए वहाँ पे, आपको ब्लॉग नहीं दिखा पाए हैं। चलते हैं यहाँ से बाहर। एक पैंट पसंद आया जो 1650 का दे रहा था, मैं उसको बोला कि 1200 ले लो, नहीं दिया। कोई नहीं, चलते हैं यहाँ से बाहर। और यही रहा नेहरू प्लेस का मार्केट, देख सकते हैं आप लोग। और पेंट काफ़ी अच्छा था, मुझको पसंद आया, पर बार्गेनिंग किया नहीं हो पाया। 1200 में बोल रहा था, वो बोला था 1400, हम बोले नहीं रहने दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा भी था। और हमको कोट पेंट लेना है अभी, उसीलिए नहीं लिया उसको। तो गाइस मैं फिर से वापस मार्केट में जा रहा हूँ, क्योंकि जो पेंट देखा था वो पसंद था, फिर सोच रहा हूँ चलो ले ही लेते हैं, 200 रुपये महंगा ही सही। चलते हैं देखते हैं मिल जाता है या नहीं। एक ही पैंट सिंगल पीस बचा हुआ था और पसंद आ गया तो ले लेते हैं, बाकी चलते हैं मार्केट में। और गाइस नेहरू प्लेस का सबसे फेमस दही भल्ले यहीं मिलते हैं। देखिए इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, और यहाँ का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ, देख आप लोग देखे भी होंगे यूट्यूब पे। तो गाइस अब फाइनली आ गए हैं नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन पे, और देखिए रहा मेट्रो स्टेशन। और गाइस इस वीडियो करते हैं पेंट, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो भी और आगे का जो भी होगा मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊँगा। जो भी लोग चैनल पर नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स वीडियो देखने के लिए।